सरहद केसरी के खास प्रोग्राम रूबरू में मैं अमृत सिदेवा और मेरे साथी संदीप चलाना आप सभी पाठकों का स्वागत करते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं युवा गायक संजीव शर्मा, जिन्हें हम प्यार से संजीव सरहदी कहते हैं। संजीव शर्मा और जो लेकर आए हैं रजत मिड्डा द्वारा लिखी भेंट सुपना मादा। इस भजन को रिलीज किया है देश की नामी कंपनी टी सीरीज ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओपेरा स्टूडियो के संचालक विक्रांत शर्मा जी और निर्देशक हैं, वीडियो निर्देशक हैं गगनदीप स्टूडियो के संचालक गगनदीप सिंह। खास बात यह है कि इस वीडियो को रिलीज होने के दो दिन के भीतर 35,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जो कि फाजिल्का के लिए बहुत अच्छी खबर है और संजीव शर्मा इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम आपको मिलवाते हैं युवा गायक संजीव शर्मा और गीतकार रजत मिड्डा जी से। हाँ जी संजीव जी, आपकी उम्र रोमांटिक गीत गाने की है लेकिन आप धार्मिक गीत गा रहे हैं, इसकी वजह बताइए। सबसे पहले तो दर्शकों को जय माता दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। जो आपने सर सवाल किया है कि मेरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है, शुरू से ही मैं इसके अंदर रहा हूँ, इस वजह से माता रानी की प्रेरणा। सुपना मादा, क्या ये आपका सपना है? इस भेंट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली ये सपना तो मेरे दोस्त रजत मिड्डा जी जिन्होंने लिखा गीत उन्होंने देखा था, लेकिन उस महामाई चिंता पुण्य की कृपा से उसको पूरा करने का सहयोग मेरे को। इस भेंट का अर्थ क्या है? आखिर आप इस सपने की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा खुलकर बताइए। सपना मादा एक बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें हर इंसान उस महामारी से कुछ ना कुछ मांगता है, सांसारिक चीज़ें, पर जो भेंट का अर्थ है वो कुछ अलग है। राति सुपने चाहिए मेरी माँ दस दिन की चाहिए, मैं भी कहता मिले तेरा प्यार तुम्हारे कुछ बोल चाहिए। जदों उस महामारी का प्यार मिल गया उन्हें जगह जगह देती तो संसार की कोई भी चीज़ जी बाकी नहीं बचती। आपको तो माँ ने दर्शन दे दिए, आपका तो सपना सच हो गया। क्या अब हमारे दर्शकों को भी आप सपने से रूबरू करवाएंगे? मेरी मुराद है कि आप अपने जो इस नई भेंट है इसकी दो चार लाइनें जो इसका एंट्रो है आप हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। जरूर रजत जी, आप भी साथ दीजिएगा। जरूर जी। ओ राती सपने च आई मेरी माँ ते कहंदी दस की चाहिदा, ओ मैं भी कहता मिले तेरा प्यार नहीं माए कुछ होर चाहिदा। ओ राती सुपने च आई मेरी माँ ते कहंदी दस की चाहिदा, मैं भी कहता मिले तेरा प्यार नहीं माए कुछ होर चाहिदा। बहुत खूब सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो नई भेंट है ये हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे शहरवासियों को, शहरवासियों का पूरे देश को पसंद आए, क्योंकि आपका नाम एक बहुत बड़ी कंपनी टी सीरीज के साथ जुड़ा है। लेकिन ये बताइए कि जो अब ये भेंटों का जो सिलसिला शुरू हो गया है, धर्म के साथ आपका ये जो पहला नाता बन गया है, इसके अगले पड़ाव कौन से हैं? आप फ्यूचर में क्या अपने इस लाइन में इस क्षेत्र में आप क्या करने जा रहे हैं? दो उस महामाई की जोश से जुड़ी हुई वंदना रजत मिड्डा जी की लिखी हुई वो आगामी बहुत जल्द ही टी सीरीज से ही उस महामाई की कृपा से बड़ी जल्द ही आएंगी। मेरा तो यही विश्वास है जैसे आगे लोगों ने मेरे को प्यार दिया है वैसा ही मैं प्यार उनसे आगे आशा करता हूँ। आपकी और रजत जी की जो जुगलबंदी है ये ऐसे ही चलती रहेगी क्या? आपके साथ और भी जैसे रंजीत तो हमारे अपने हैं, हमारे अपने शहर से हैं, हम चाहते हैं ये भी आगे बढ़े, लेकिन क्या कोई और भी बड़ी गीतकार हैं जिनके साथ आप कुछ नया करने जा रहे हैं? जी जी जी, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, बताता हूँ सारा। सरल कवि जी जो कि बहुत बड़े एक लेखक हैं जिनकी टी सीरीज से ऑलरेडी भेंटें कम से कम 7 के 8 जाते भी आ चुकी हैं, लखा जी
आदरणीय नरेंद्र चंचल जी, सलीम जी, सरदूल जी, उनकी लिखी हुई भेंटें गाते हैं। तो मेरे ऊपर उस महामाई की कृपा से एक वंदना उन्होंने मेरे को गाने के लिए दी है। उनके जो भाव हैं, दो प्रोजेक्ट के बाद जो फोर्थ नंबर का प्रोजेक्ट आएगा उसमें मैं उस भाव को जो उन्होंने लिखे हैं गाने के साथ इंसाफ करते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा जी। ये थे हमारे संजीव जी, संजीव शर्मा जी, और साथ हैं रजत मिर्गा जी। इन्होंने जो प्रयास किया है इस नवरात्रों में माँ की भेंट लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि सरल कवि के साथ इनका अब नाता जुड़ा है, हम कामना करते हैं कि जो नाम ये बड़े नाम भजन गायकी में ले रहे हैं, लखा जी, सरदूल जी, ये उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हों और हम शहरवासियों को उन पर गर्व करने का एक और मौका प्रदान करें। हाँ जी संजीव। राती सुपने च आई मेरी माँ ते कहंदी दस की चाहिदा, मैं भी कहता मिले तेरा प्यार, नहीं माए कुछ होर चाहिदा, नहीं माए कुछ होर चाहिदा।